अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब गंदम की कटाई हो जाती है तो उसके बाद जो है क्या प्रोसीजर होता है। और ये बच्चे देख रहे हैं आप, ये ना जो गंदम की बालियाँ वगैरह नीचे ज़मीन पे गिरती जाती हैं, ये उनको चुन के ना तो अपने गट्ठू जो हैं अपने गट्ठों में भर रहे हैं। जिस वक्त कटाई होती है उस वक्त थोड़ी बहुत ना गंदम के जो सिट्टे हैं वो नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं और फिर गरीब गुरबा जो है वो इस तरह से ना वो बालियाँ जो हैं वो चुन के तो अपने लिए ना गंदम इकट्ठी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये सारे एकड़ में से ना उन बालियों को तलाश करके तो अपने अपने गट्ठों में ना ये भर लेंगे और तकरीबन इनकी भी जो गंदम है ना वो काफ़ी हद तक ना बन जाती है। ये देखें बच्चे जो हैं इस तरह से ना बालियों को ढूंढ रहे हैं और सिट्टे जो हैं वो ढूंढ के तो अपने अपने ना गट्ठू में भर लेंगे। और इसके साथ जी आज मैं आपको ये दिखाऊंगी कि जब गंदम जो है वो थ्रेशर लगने के बाद जो गंदम निकल आती है उसके बाद जो है उसको उसकी सफाई किस तरह से होती है और सफाई करने वाली जो मशीन है वो कैसी होती है ये देखें। ये है जी मशीन जो गंदम को साफ़ कर रही है, उसमें से रोड़े वगैरह और जो है गंद वगैरह जो है तूरी वगैरह अगर इसमें थोड़ी बहुत होगी तो ये सारी अच्छे तरीके से ना गंदम को साफ़ कर देगी ये मशीन। इस तरह से ये देखें ऐसे डाल रहे हैं ऊपर से और फिर ये साफ़ एक तरफ से ये तूरी बाहर निकालती जाएगी, जो गंद होगा वो गंदम का वो बाहर निकालती जाएगी और दूसरी तरफ से जो है वो गंदम जो है वो साफ़ सुथरी जो है वो बाहर की तरफ निकलती जाएगी। ये देखिए इस तरह से पहली दो वीडियो में मैंने आपको गंदम की कटाई किस तरह से होती है और कैसे होती है वो दिखाई थी और अब जो है ये मैं प्रोसीजर वो दिखा रही हूँ कि गंदम जब घर आ जाती है तो उस वक्त जो है किसान जो है वो किस तरह से गंदम को संभालते हैं। ये मशीन में गंदम अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद तो फिर इसको कलहोटे में डाला जाता है। ये देखें सर एक तरफ से गंदम साफ़ हो रही है और दूसरी तरफ से वो जो साफ़ सुथरी गंदम होती है उसको वो कल अपनी जगह पे जो कलहोटा होता है गंदम वाला उसमें ये डाल रहे हैं। ये देखें इस तरह से ये ये देखें ये इस तरह से ऐसे गंद जो है वो यहाँ से ऐसे बाहर निकाल फेंकी जाती है। ये देखिए फिर इस तूड़ी को भी संभाला जाता है और फिर संभाल के तो ये भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इस तूड़ी के साथ क्या करते हैं और इसको कैसे संभालते हैं और इस तरह से मशीन जो है वो गंदम जो है वो साफ़ करती है। ये देखें यहाँ से जो है वो गंदम साफ़ होके बाहर आ रही है और किसान जो है वो गंदम को हटा रहे हैं और फिर इनको साथ साथ ही ना समेट लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर इस तरह से ये देखें
ये ऐसे कलहोटे में ना इस तरह गंदम जो है वो फिल कर देते हैं, ये देखें इस तरह से। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि थ्रेशर जो है वो नीचे तूड़ी फेंकती जाती है, और ये वो मशीन है जो तूड़ी इसको उठा लेगी, और फिर तूड़ी को कवर करने का तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।